आज के इस वीडियो में मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उसे मैं क्या कहूँ, इंजीनियर कहूँ, इनोवेटर कहूँ, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट कहूँ या लद्दाख के लोगों के लिए एक मसीहा कहूँ। हमें ये जान के हैरानी होती है कि एक इंसान इतने सारे काम कैसे कर सकता है। एक ऐसा समय था जब लद्दाख का लिटरेसी रेट 5% था और आज वह बढ़कर करीबन 80% हो चुका है। ये सब केवल एक ही इंसान की वजह से मुमकिन हो पाया है और वो है सोनम वांगचुक। शायद आप लोग सोनम वांगचुक को नहीं जानते होंगे, लेकिन बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में नजर आए फुनसुक वांगडू को जरूर जानते होंगे। 3 इडियट्स मूवी सोनम वांगचुक के जीवन को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक का मानना है कि इस फिल्म में बताई गई काफी ढेर सारी बातें उनके जीवन से संबंधित नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं कि वास्तव में सोनम वांगचुक है कौन। तो मैं आपको बता दूं कि यह लद्दाख के एक निवासी हैं जिनका जन्म 1966 में जम्मू कश्मीर के लेह जिले में हुआ था। जहाँ पर यह पैदा हुए वहाँ पर एक भी स्कूल उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से इनकी माँ ने 7 सालों तक इन्हें घर पर ही पढ़ाया। और 7 सालों के बाद जब यह पढ़ने के लिए श्रीनगर गए तो उनकी भाषा लद्दाखी होने के कारण वहाँ पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इससे परेशान होकर वह दिल्ली चले गए और उन्होंने दिल्ली से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद NIT श्रीनगर से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई पूरी की। जब वह अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके लद्दाख गए तब वहाँ पर उन्होंने देखा कि स्कूल की व्यवस्था काफ़ी ख़राब चल रही थी। वहाँ पर उन्होंने देखा कि केवल 5% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा को पास कर पा रहे थे। तब उस समय उन्होंने एजुकेशन को सुधारने का काम अपने हाथ में ले लिया और 1998 से 1994 तक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम से एक स्कूल बनाया, जिसे आज हम सेकमोल के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने स्कूल तो बना दिया, लेकिन उनके सामने दो सबसे बड़े परेशानी थी, एक तो बिजली और दूसरी वहाँ की ठंड। लेकिन उन्होंने उस स्कूल पर सोलार पैनल लगाकर उस परेशानी को भी दूर कर दिया। तो आखिर ये अपने स्कूल में ऐसा क्या पढ़ाते थे जिसकी वजह से इनका लिटरेसी रेट 5% से बढ़कर 80% से भी ज़्यादा हो गया। सोनम वांगचुक ने एक ऐसा स्कूल बनाया है जो भारत का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ थियोरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है। ये स्कूल और स्कूलों की तरह नहीं है जो केवल 6 घंटे ही खुले रहता है, ये स्कूल 24 घंटे खुला रहता है। स्टूडेंट का जब मन करता है तब यहाँ पर आकर वह अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस स्कूल की एक और खास बात यह है कि इस स्कूल में साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम स्टूडेंट ही करते हैं और इसी वजह से इस स्कूल में फैकल्टी बहुत कम है। इस स्कूल की अच्छी शिक्षा और सुविधा के कारण ही आज यहाँ से निकले हुए छात्र अच्छे अच्छे क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। इस तरह के स्कूल के स्ट्रक्चर को देखते हुए उन्हें जुलाई 2016 में बेस्ट बिल्डिंग के लिए इंटरनेशनल टेरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब मैं बात करने वाला हूँ सोनम वांगचुक के एक ऐसे इनोवेशन के बारे में जो लद्दाख के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ। लद्दाख के किसानों को गर्मियों में खेती करने में परेशानी होती थी क्योंकि बर्फ के पिघल जाने के कारण सारा पानी बर्बाद हो जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए सोनम वांगचुक ने जनवरी 2014 में आइसतूपा नाम पर एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कॉनिकल शेप में एक स्तूपा बनाया है जहाँ पर सारा पानी आकर स्टोर हो जाता है और वह ग्लेशियर की तरह बन जाता है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलता नहीं है। और वही इकट्ठा किया गया पानी फार्मर्स अप्रैल और मई के महीने में खेती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके इस तरह के इनोवेशंस को देखकर इन्हें 2018 में रोमन मैग्सिस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इतने इनोवेशंस करने के बाद भी वह रुके नहीं और देश के लोगों के लिए और भी इनोवेशंस करते आ रहे हैं। और हाल ही में 19 फरवरी 2021 में उन्होंने देश के जवानों के लिए सोलार हीटेड मिलिट्री टेंट भी बनाया है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लद्दाख और सियाचिन जैसे इलाकों में इतनी ठंडी होती है जहां पर हमारे देश के जवानों का रहना मुश्किल हो जाता है और उस समय वह लोग लकड़ी जलाकर गर्मी लेते हैं, लेकिन इससे टेंट में आग लगने का और प्रदूषण फैलने का भी डर रहता था। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सोनम वांगचुक ने सोलार हीटेड टेंट का इनोवेशन किया है। इस टेंट की खासियत यह है कि यह सूर्य की गर्मी को स्टोर करके टेंट के अंदर गर्मी देता है। ये टेंट 10 से 12 घंटे तक जवानों को ठंडी से बचाने का काम करता है। ये टेंट पोर्टेबल होता है जिसकी वजह से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इनके इस इनोवेशन को देखकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी इनकी तारीफ की है। इनका ये इनोवेशन इनके सबसे बड़े इनोवेशंस में से एक है। अगर आप लोगों को सोनम वांगचुक और इनके इनोवेशंस के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल बायोग्राफी को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इनके बारे में और अधिक जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।